दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताई गई ऐसी जबरदस्त ऐसी भयंकर बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में औषधि के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसका पानी के साथ या फिर सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन कर लेते तो इतनी भयंकर तरीके से आपकी बॉडी में ताकत बढ़ाएगा। जिनकी हाइट काफी ज्यादा कम रहती है उसको भी बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है, प्लस दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा भयंकर तेज करता है। साथ में जिनको हड्डियों की कमजोरी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण औषधि है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से हजारों साल पहले हमारी एक आयुर्वेद की किताब लिखी गई थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, जो कि भागवत ऋषि ने लिखी थी। उसी किताब में जड़ी बूटी का इस औषधि का वर्णन किया गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं जड़ी बूटी के बारे में। राजीव दीक्षित जी ने बार बार अपनी वीडियोज में जड़ी बूटी के बारे में बताया है काफी सारी कमजोरियों को दूर करने के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें। मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा अप हो जाता है ना, मुझे कुछ भी लाइक अगर आप करते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं लाइक करने के, बस मन करता है कि बार बार इसी तरह की रोजाना आपके लिए अच्छी वीडियोज लाता रहूं। चलिए बात करते हैं इस औषधि के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अश्वगंधा जड़ी बूटी के सेवन करने के जबरदस्त फायदों के बारे में। देखिए क्या होता है, आप लोगों को जड़ी बूटी के बारे में पता होता है लेकिन कई लोगों को बॉडी में गर्मी हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है इसको सेवन करने के बाद। क्यों होती है? आपको सही तरीका नहीं मालूम होता, सही मात्रा नहीं मालूम होती, कितनी मात्रा में सेवन करना है, किस समय पर सेवन करना है ना, तरीका क्या सेवन करने का, किसके साथ में सेवन करना है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में प्लस फायदों के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है, साथ में किस समय पर सेवन करना है। जो छोटी चम्मच आती है ना सब्जी खाने वाली, आपको उसका आधा चम्मच ले लेना है, पूरा चम्मच नहीं लेना है, उसका 1/2 पार्ट लेना है। ओके, तो आपको ये दूध के बीच में मिला लेना है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध किसका ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन गाय का दूध, नहीं तो बकरी का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं। ओके, एक गिलास दूध में आपको आधा चम्मच मिला लेना है अश्वगंधा चूर्ण। नहीं, जो लोग दूध नहीं पीते हैं पानी के बीच में हल्के गुनगुने पानी के बीच में भी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। किस समय पर करना है? खाली पेट आपको सेवन नहीं करना है क्योंकि आपकी भूख को ये मार देता है। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद में आपको ये सेवन करना है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। बीच में केला भी मिला सकते हैं, साथ में खजूर भी मिला सकते हैं जिनका वजन काफी कम रहता है, खून की कमी रहती है, कमजोरी बहुत ज्यादा जिनको रहती है उनके लिए बहुत ही रामबाण जबरदस्त भयंकर औषधि आपकी लंबी आयु करती है ना, आपके चेहरे पर लालिमा आती है, ग्लो लाती है, उसके बाद में जिनको डार्क सर्कल हो गए उसको भी दूर करने में काफी ज्यादा मदद करती है। हाइट को बढ़ाने के लिए इससे जबरदस्त औषधि हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके ये जो हार्मोनल लेवल होता है उसको इंक्रीज करती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH को। ओके, तो ये कुछ इसके फायदे थे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के हम रोज वीडियोज लाते रहते हैं। धन्यवाद।